Hello everyone, in this video we'll be talking about the Vijayanagara Empire or the Karnataka Empire, also known as Karnatak Samrajya. तो इस एम्पायर की ड्यूरेशन थी 14th टू द 16th सेंचुरीज, प्रिसाइजली 1336 से लेके 1646 AD तक. यूजुअली इस एम्पायर की ड्यूरेशन मानी जाती है 1336 से लेके 1565 AD तक, बिकॉज 1565 में बैटल ऑफ तलीकोटा में विजयनगर एम्पायर लॉस अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनेट एंड कॉन्सिक्वेंटली विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया. तो अगर हम ये वाला टाइम स्पैन कंसिडर करते तो दिस शुड हैव बीन 17th सेंचुरी. हाउएवर बिकॉज दिस इज़ कंसिडर्ड एज द ड्यूरेशन ऑफ द एम्पायर, दैट्स वाई आई हैव रिटन 14th टू द 16th सेंचुरी. अब विजयनगर का लिटरल मीनिंग है द सिटी ऑफ विक्ट्री. तो विजयनगर एक सिटी का नाम भी था और एक एम्पायर का नाम भी था. Now this empire was located on the banks of the Tungabhadra river, which is a tributary of the Krishna river. ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है अ स्मॉल रिवर विच जॉइन्स द मेन रिवर एज अपोज टू अ डिस्ट्रीब्यूटरी. डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती है जो मेन नदी से निकलती हैं छोटी नदियाँ. अब जब इस विजयनगर एम्पायर को डिस्कवर किया गया था तो सबसे पहले द सिटी ऑफ हम्पी वॉज डिस्कवर्ड. सो देयर वॉज दिस इंजीनियर एंड एंटीक्वेरियन. एंटीक्वेरियन का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट्स एंटीक्स. सो देयर वॉज दिस एंटीक्वेरियन जिनका नाम था कॉलोनल मैकेंजी, हु डिस्कवर्ड द रूइंस ऑफ द हम्पी सिटी. सो हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर एंड नाउ इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो अब ये विजयनगर एम्पायर बना कैसे? तो जो डेक्कन रीजन था, दैट इज़ सर्दर्न इंडिया, वहाँ पे बहुत सारी स्मॉल डायनेस्टीज रूल करती थी. फॉर एग्जाम्पल होयसल, काम्पली एट्सेट्रा. These dynasties or these empires, they were invaded by the Khilji and the Tughlaq dynasties. और ये dynasties थी Delhi Sultanate का part, that is जो northern India में empire rule कर रहा था. अब there were these Sangam brothers who were working as soldiers in the Kampli kingdom. In Sangam brothers में से there were two brothers, one was Harihar and the another one was Bukka. तो they founded the Vijayanagara Empire in the year 1336. अब वन थिंग इम्पॉर्टेंट टू नोट इज़ दैट जो विजयनगर एम्पायर था, दैट वॉज़ अ हिंदू किंगडम. हाउएवर देर वॉज डाइवर्सिटी इन द किंगडम एंड इसके ऊपर जो भी रीजन था, दैट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मुस्लिम रूलर्स. आई विल बी डिस्कसिंग द लोकेशन ऑफ दीज एम्पायर्स एंड किंगडम्स विद द हेल्प ऑफ अ मैप इन अ फ्यू मिनट्स फर्दर इन द वीडियो. अब जो विजयनगर एम्पायर था, इट वॉज अ प्रॉस्परस एंड अ वेल्दी एम्पायर. There was rapid development in the empire और ये region became the most powerful urban center. 1500 में हम्पी became the world's largest medieval era city after Beijing and probably was the richest Indian city at that time. अब विजयनगर empire में there were four dynasties. सबसे पहली थी संगम dynasty, जिसका origin अभी हम देख चुके हैं. Then was the Saluv dynasty. The third was the Tuluv dynasty and the last one was the Aravidu dynasty. अब अगर आप इन dynasties की duration को देखें तो you will see that there is some sort of overlapping between their time period. For example, Saluv dynasty का time period ख़त्म हुआ 1505 में. However, Tuluv dynasty का time period start हुआ 1491 में. So how is this possible? This is because जो Saluv dynasty का last ruler था, he was a teenager जब उसके हाथ में power आई. So he could not rule. तो उसके behalf पे his guardian used to rule and ये चीज़ चली for a period of 12 years. And when this guardian died, जो power थी वो उस guardian के son के हाथ में गई. As a result of which जो power थी वो एक dynasty से दूसरी dynasty में shift हो गई. So I hope this overlapping of time period is clear. अब संगम डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी. हाउएवर जो मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर थे ऑफ द विजयनगर एम्पायर, दैट वॉज कृष्ण देव राय, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में. एंड ही बिलोंग टू द तुलुव डायनेस्टी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट देर वॉज कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बहमन एम्पायर एंड द डेक्कन सल्तनेट. अब ये पॉइंट आपको क्लियर होगा वेन आई विल बी डिस्कसिंग द मैप विद यू. हाउएवर ब्रीफली आई विल मेंशन इट. तो जो बहमन एम्पायर था, दैट वॉज अबव द विजयनगर एम्पायर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द विजयनगर एम्पायर, तो बहमन एम्पायर उसके ऊपर था. अब विजयनगर एम्पायर एंड बहमन एम्पायर के बीच में कॉन्स्टेंट बैटल्स हुआ करती थी.
Consequently, Vijayanagara Empire won a battle against Behman Empire, which was the Battle of Raichur, and Behman Empire 5 parts में divide हो गया था. These 5 parts were collectively called the Deccan Sultanate, and फिर Deccan Sultanate and Vijayanagara Empire के बीच में भी continuously conflicts होते थे. Ultimately, there was this battle between the Vijayanagara Empire and the Deccan Sultanate, which was the Battle of Talikota, which took place on the 23rd of Jan 1565. Talikota is a place in Karnataka only. And इस battle में जो Vijayanagara Empire के ruler थे, that is Ram Rai, he was defeated by the Deccan Sultans. And Ram Rai was the first ruler of the Aravidu dynasty. तो Aravidu dynasty के बाद से Vijayanagara Empire का decline होना शुरू हो गया था. तो अब ये एक brief synopsis था of the Vijayanagara Empire. Let's discuss the map. Things would be more clear. So this is India's map. This is the Krishna River. This is the Tungabhadra River. Now the yellow portion is the extent of the Vijayanagara Empire. This empire was founded in 1336 by Harihar and Bukka, who were the Sangam brothers. Now in the northern India, ye jo blue portion tha, this entire blue region, plus this one as well, this was under the Delhi Sultanate. Now Delhi Sultanate comprised of 5 different dynasties, the Mamluk dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and the Lodi dynasty. Delhi Sultanate ka time period tha from 1206 to 1526. Ab ye jo beech mein yellow portion hai, this was under the rule of Rajput princes. So this region corresponds to present day Rajasthan. तो अगर आप ब्रॉडली देखो तो जो ब्लू पोर्शन था दैट वॉज अंडर द रूल ऑफ मुस्लिम रूलर्स एंड जो येलो पोर्शन था दैट वॉज अंडर द रूल ऑफ हिंदू रूलर्स. तो जो विजयनगर एम्पायर था दैट वॉज प्री डोमिनेंटली अ हिंदू किंगडम. तो अब 1347 में देर वॉज दिस मिलिट्री जर्नल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी. तो वो डेली सल्तनेट की ही एक डायनेस्टी थी. तो दिस मिलिट्री जर्नल that is Behman Shah, he revolted against Muhammad bin Tughlaq and 1347 mein unhone ek independent Muslim kingdom establish kar liya. Ab this was the first independent Muslim kingdom to be established in South India. To ab ye jo red portion hai, this was of the Behman Sultanate, right? तो अब ये जो बहमन सल्तनेट थी एंड विजयनगर एम्पायर था इनमें कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे. तो अब 1520 में देर वॉज दिस वेरी फेमस बैटल, द बैटल ऑफ रायचूर, जिसमें द विजयनगर किंग दैट इज़ कृष्णदेव राय, ही वॉज द फेमस एम्परर ऑफ विजयनगर, ही डिफीटेड द लास्ट रूलर ऑफ द बहमन सल्तनेट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बहमन सल्तनेट केम टू एन एंड. तो अब बहमन सल्तनेट केम टू एन एंड बट दिस एरिया गॉट डिवाइडेड इन टू 5 किंगडम्स, दैट इज़ किंगडम्स ऑफ गोलकोंड, बीजापुर, अहमदनगर, बेराड एंड बीदर. तो अब दीज 5 किंगडम्स वर कलेक्टिवली नोन एज द डेक्कन सल्तनेट. अब नाउ द रिलेशंस ऑफ द डेक्कन सल्तनेट एंड द विजयनगर एम्पायर वर मार्क्ड बाय इंटरैक्शन एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट्स. अब वील सी दैट द किंगडम्स ऑफ द डेक्कन सल्तनेट दे यूनाइटेड टुगेदर एंड डिफीटेड द किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर इन 1565 एट द बैटल ऑफ तालिकोटा. सो द रूलर एट दैट टाइम वॉज राम राय, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द अराविडु डायनेस्टी. सो दिस डिफीट काइंड ऑफ मार्क्ड द एंड ऑफ द विजयनगर एम्पायर. अब वन लास्ट थिंग, ये जो ग्रीन पोर्शन है दिस वॉज ऑफ द रूलर्स ऑफ ओडिशा एंड दे वर नोन एज गजपति. So I hope जो political and military situation थी उस time की that is clear to you guys. So with that clarity, let us move to our first topic. Now let's discuss the first topic which we have, that is the discovery of Hampi. So Hampi we've discussed was the first site which was discovered. So it was discovered by Colonel Colin Mackenzie in 1800. He was an employee of the English East India Company. And he was also the first surveyor general of India. So Colin Mackenzie ne first survey map prepare kiya of the site of Hampi.
And Colin Mackenzie was a cartographer. Cartographer is someone who makes maps. So he started collecting material in order to understand these sites or this empire better. तो अब जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिली थी अबाउट द एम्पायर दैट वॉज बेस्ड ऑन द मेमरीज ऑफ द प्रीस्ट्स ऑफ द वीरूपक्ष टेम्पल एंड द श्राइन ऑफ पंपा देवी. तो जो वीरूपक्ष टेम्पल है दैट इज़ अ टेम्पल डिवोटेड टू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिव एंड पंपा देवी इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ गॉडेस पार्वती. एंड इट इज़ बिलीव्ड कि जो हम्पी नाम है दैट केम बिकॉज ऑफ पंपा देवी. तो जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन मिली थी अबाउट द विजयनगर एम्पायर दैट वॉज बिकॉज ऑफ दीज प्रीस्ट्स ऑफ दीज टेम्पल्स. 1836 से एपिग्राफिस्ट दैट इज़ पीपल हु स्टडी इंस्क्रिप्शंस स्टार्टेड कलेक्टिंग द इंस्क्रिप्शंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द विजयनगर एम्पायर बेटर. देन और कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में पता चलता है? दे आर अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स. सो फिफ्थ चैप्टर में हमने डिस्कस किया था अबाउट थ्री डिफरेंट फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक इब्न बतूता, अल बिरूनी एंड फ्रांसुआ बर्ने. तो वन ऑफ द अकाउंट विच मेंशंस अबाउट द विजयनगर एम्पायर इज़ द अकाउंट ऑफ इब्न बतूता. देन देर वो अदर फॉरेन ट्रैवलर्स एज वेल, फॉर एग्जाम्पल निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रजाक एट्सेट्रा. अब अपार्ट फ्रॉम दीज अकाउंट्स देर आर अदर लिटरेरी सोर्सेज एज वेल विच आर रिटन इन अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस लाइक तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत एट्सेट्रा. So if we see there are a number of sources by which we get to know of the empire. There are oral traditions, there are archaeological evidences, there are inscriptions, there are literary sources and so on. Ab ASI that is the Archaeological Survey of India and the Karnataka Department of Archaeology and Museums, they have worked towards preserving the site that is preserving हम्पी. एंड 1976 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज द साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. देन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अंडरटेक किए गए थे बाय दीज डिपार्टमेंट्स. फॉर एग्जांपल देयर वाज अ प्रोजेक्ट इन द 1980 टू डॉक्यूमेंट द मटेरियल रिमेन्स ऑफ विजयनगर यूजिंग अ वेराइटी ऑफ रिकॉर्डिंग टेक्निक्स. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स we get a lot of information about the empire. Now let's move on to the next topic, which is Rais, Nayaks and Sultans. Rais were the rulers of the Vijayanagara Empire. Nayaks kaha jata tha military chiefs ko who were a part of the Vijayanagara Empire. Kai cases mein jo military chiefs the they supported the kings, but kai cases mein the military chiefs they rebelled against the kings as well. And Sultans jo term hai that is used for the rulers of the Deccan Sultanate. So by now you would be aware with what Deccan Sultanate is. And Deccan Sultanate ko Delhi Sultanate ke saath confuse nahi karna, because Delhi Sultanate was an empire in northern India whereas Deccan Sultanate was in the southern India. Now let's discuss a few features of the Vijayanagara Empire with emphasis on kings and traders. So as already discussed, the empire was founded in 1336 by Harihar I and Bukka. Harihar I isliye because Bukka ke baad there was another ruler known as Harihar II. So the kingdom had a heterogeneous mass of population. Log jo the is empire mein, they practiced different religions and different traditions. Although ye jo empire tha, that was predominantly a Hindu kingdom, but people of different religions were a part of this empire. देन विजयनगर एम्पायर के जो कंटेम्पररीज थे वो कौन थे? सो एज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देयर वर डेक्कन सुल्तान्स एज वेल एज देयर वर रूलर्स ऑफ ओरिसा. अब डेक्कन सुल्तान्स को कहा जाता था अश्वपति. तो अश्व का मतलब होता है हॉर्सेस, सो दे वर द लॉर्ड्स ऑफ हॉर्सेस. ओरिसा के रूलर्स को कहा जाता था गजपति. गज का मतलब होता है एलिफेंट, सो दे वर द लॉर्ड्स ऑफ एलिफेंट्स. एंड विजयनगर एम्पायर के रूलर्स को कहा जाता था नरपति, दैट इज़ द लॉर्ड ऑफ मेन. अब इन सब रूलर्स, इन सब एम्पायर्स के बीच में देर वॉज इंटरैक्शन एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट्स. इंटरैक्शन का एग्जाम्पल हमें मिलता है बाय वे ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दीज किंगडम्स. फॉर एग्जाम्पल जो रूलर्स ऑफ विजयनगर थे दे यूज टू बोरो सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम अदर रूलर्स. कॉन्फ्लिक्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट उनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे लेटर इन द वीडियो. Right now the point which we have to see is with respect to trade. So because of conflicts between these regions, it was very important for the kings to have an effective cavalry. Ab cavalry ka matlab hota hai soldiers who fight on horseback ya ashv sena jise hum kehte hain.
तो बिकॉज ऑफ दिस द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेज वॉज एक्सट्रीमली नेसेसरी. तो अब ये जो इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेज था ये इनिशियली अरब ट्रेडर्स कंट्रोल करते थे. वो इसलिए बिकॉज जो हॉर्सेज का इम्पोर्ट था दैट वॉज फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया. एंड इस ट्रेड में देर वर लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स इन्वॉल्व एज वेल. हाउएवर 1498 में वेन पोर्चुगीज केम इन टू इंडिया दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग ट्रेडिंग एंड मिलिट्री स्टेशंस. सो बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी ये जो अरब ट्रेडर्स का बिजनेस था दैट काइंड ऑफ बैक ट्रैक बिकॉज अब पोर्चुगीज अपने साथ जो टेक्नोलॉजी लाए थे दैट वॉज ऑफ गन्स ऑफ मस्केट्स. मस्केट इज़ अ टाइप ऑफ गन एंड अदर इफेक्टिव वेपन्स. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस द पोर्चुगीज दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मिलिट्री एंड पोलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर. अब जो विजयनगर एम्पायर की ट्रेड थी दैट वॉज नॉट ओनली लिमिटेड टू आर्टिलरी और वेपन्स. द एम्पायर वॉज नोन फॉर मार्केट्स डीलिंग इन स्पाइसेस टेक्सटाइल्स स्टोन्स एट्सेट्रा. सो देर वॉज ल्यूक्रेटिव ट्रेड बिकॉज ऑफ विच द विजयनगर एम्पायर वॉज एक्सट्रीमली प्रॉस्परस एंड वेल्दी. Now let's move on to the next topic which is the apogee and decline of the empire. Ab apogee ka matlab hota hai zenith, that is the climax or the peak. To Vijayanagara empire apne peak pe pahuncha under the rule of Krishnadev Rai who was the ruler of Tuluv dynasty. But after his death Vijayanagara empire ka decline hona shuru ho gaya. So as we've discussed there were four dynasties which were ruling the Vijayanagara empire. The Sangam dynasty, द सालुव डायनेस्टी, तुलुव डायनेस्टी एंड अराविडु. अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर थे दैट वॉज कृष्णदेव राय. उनके टेन्योर में देर वॉज एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर. इन्होंने अपने कंटेम्प्रेरीज को विद इन कंट्रोल रखा, दैट इज़ इन्होंने उड़ीसा के रूलर्स को भी सबड्यू किया एंड देन बीजापुर के सुल्तान को भी डिफीट किया. तो इन स्पाइट ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स देर वॉज पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द रीजन. अब आफ्टर हिज डेथ दैट इज़ आफ्टर 1529 जो विजयनगर एम्पायर के किंग्स थे दे फेस ट्रबल फ्रॉम दी नायक्स. नायक्स वर दी मिलिट्री चीफ्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर. फर्दर द पावर शिफ्टेड टू अनदर डायनेस्टी विच वॉज अराविडु डायनेस्टी जिनके फर्स्ट रूलर थे राम राय. देन ड्यूरिंग द रीन ऑफ द अराविडु डायनेस्टी द डेक्कन सुल्तान्स दे मेड एन अलायंस, दैट इज़ द रूलर्स ऑफ बीजापुर अहमदनगर एंड गोलकोंडा इन पर्टिकुलर. दे फॉर्म्ड एन अलायंस एंड डिफीटेड राम राय हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द अराविडु डायनेस्टी इन 1565 एट राक्षसी टंगड़ी विच इज़ ऑल्सो एन अदर नेम फॉर तालीकोटा. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ तालीकोटा. सो आफ्टर दिस बैटल द सिटी ऑफ विजयनगर वॉज लूटेड एंड अबैंडन्ड. सो दिस मार्क्स द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर. अब ऑल्दो जो डिक्लाइन था विजयनगर एम्पायर का उसका मेन रीज़न यही था दैट द डेक्कन सल्तनेट्स दे मेड एन अलायंस एंड डिफीटेड द विजयनगर किंग्स. हाउएवर दिस वाज नॉट ऑलवेज दैट देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द डेक्कन सुल्तान्स एंड विजयनगर किंग्स. ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स बोथ दीज एम्पायर्स दे यूज टू सपोर्ट ईच अदर. बट बिकॉज राम राय की पॉलिसी ऐसी थी दैट ही ट्राइड टू प्ले ऑफ वन सुल्तान अगेंस्ट अनदर बिकॉज ही ट्राइड टू डिवाइड दीज सुल्तान्स and create differences between them, all of them united and defeated Ram Rai. Now let's move on to the next topic which is the Rais and the Nayaks. So by now you people would be aware with the terms Rais and Nayaks. So Rais were the kings of the Vijayanagara Empire and Nayaks were the military chiefs. Now these military chiefs used to control forts. They even had armed supporters. They spoke in Kannad and Telugu. Kannad is the official language of present-day Karnataka and Telugu is the official language of present-day Andhra Pradesh and Telangana. अब ये जो नायक्स अपॉइंट किए जाते थे ये इसलिए किए जाते थे ताकि the empire could be easily and effectively administered. अब in some cases the military chiefs they used to submit to the king's authority, that is they used to support the king and obey the king. However in other cases they used to rebel against these kings as well. The kings used to assert their dominance over these nayaks by transferring them from one place to another. However, 17th century mein ye dekha gaya that some of these military chiefs, they were rebelling against the kings and they were establishing independent kingdoms. So this was also one of the reason why the Vijayanagara Empire collapsed. Ab for the better administration of the empire, there was this system of Amar Nayak which was developed.
if you are familiar with the Ikta system of the Delhi Sultanate, you would be able to draw parallels between the two systems. Both of them are similar in certain aspects. अब अमर नायक सिस्टम में क्या होता था, द राइज दैट इज़ द किंग्स, दे यूज टू गिव लैंड और टेरिटरीज टू द मिलिट्री चीफ. अब ये मिलिट्री चीफ इस लैंड पे काम करने वाले पीजेंट्स या फार्मर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. दे ऑल्सो यूज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम ट्रेडर्स, आर्टिसंस, क्राफ्ट पर्सन्स एट्सेट्रा. इस रेवेन्यू का कुछ पोर्शन वो अपने पर्सनल कामों के लिए यूज़ करते थे, कुछ पोर्शन वो हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स के कंटिंजेंट को मेंटेन करने के लिए करते थे. दिस वुड प्रोवाइड द किंग और द राय विद एन इफेक्टिव फोर्स, इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स. एंड कुछ पोर्शन वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में भी लगाते थे एंड समटाइम्स टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन करवाने में भी लगाते थे. देन एनुअली दैट इज़ ईयरली वो किंग्स को ट्रिब्यूट्स भी दिया करते थे इन ऑर्डर टू शो देयर सपोर्ट, इन ऑर्डर टू शो देयर एलिजियंस. सो दिस वॉज द अमर नायक सिस्टम एंड इट वॉज अ मेजर पोलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर विच हेल्प्ड इन द स्मूथ एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द एम्पायर. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.